हिमाचल प्रदेश बस हादसे में अब तक 34 शव निकाले जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश रोडवेज की ये बस पालमपुर से आशापुरी मंदिर जा रही थी। हिमाचल रोडवेज की बस 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में करीब 35 लोगों की मौत हो गई। इतनी बुरी हालत है कि किसी का बाजू टूट गया, किसी का टांग मुड़ गई है। एक एक जख्मी यात्री की तलाश में रात भर जूझते रहे राहत बचाव दल के लोग। घटना ऐसी जगह पर घटी है जहां हादसे के 3 घंटे बाद भी प्रशासन नहीं पहुंच पाया। रस्सी के सहारे शवों को निकालने का काम चल रहा है। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में स्थित आशापुरी माता के मंदिर लेकर जाएंगे, जो कि पालमपुर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां आशापुरी माता का प्राचीन मंदिर है और माता यहां पिंडी के रूप में विराजमान है। आशापुरी मंदिर यूं तो काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन ये नेशनल मीडिया की सुर्खियों में तब आया जब कुछ साल पहले यहाँ एक भीषण बस हादसा हो गया था। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी HRTC की बस यहां आशापुरी के पास गहरी खाई में गिर गई थी, जिसकी वजह से बस में सवार अधिकतर लोग मौत के मुंह में समा गए थे और ये कांगड़ा ज़िला का आज तक का सबसे बड़ा बस हादसा था। आज की इस वीडियो में हम HRTC बस से पालमपुर से आशापुरी तक की यात्रा करेंगे और उस हादसे के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। साथ ही आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ से वो बस गिरी थी। इसके अलावा आपको वहां स्थित माता आशापुरी के दर्शन भी करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना सफर। दोस्तों, मैं अभी हूं पालमपुर में। पालमपुर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला का एक बड़ा शहर है और धौलाधार के आंचल में बसा पालमपुर एक बहुत सुंदर व रमणीक स्थान है। पालमपुर को चाय के बागानों, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी व कारगिल शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पैतृक घर के लिए जाना जाता है। अभी कुछ साल पहले ही पालमपुर शहर को नगर निगम का दर्जा भी दिया गया है। पालमपुर से आशापुरी की बस शाम 3:25 पर पालमपुर से चलती है और पंचरुखी, अंद्रेटा, करोड़ी, भुआना, मकोल व मल्ली गांव से होते हुए 6 आशापुरी पहुंच जाती है। करीब 11 साल पहले इस रूट की बस आशापुरी से कुछ किलोमीटर पहले एक गहरी खाई में गिर गई थी। इस हादसे में बस में सवार 39 लोगों में से 34 की मौत हो गई थी। अभी दोपहर के 3 और मैं यहां पालमपुर बस स्टैंड में आशापुरी जाने वाली बस का इंतज़ार कर रहा हूं। शाम का समय है तो यहां पर अभी कॉलेज स्टूडेंट्स की काफ़ी भीड़ है, जो अपने अपने घर जाने के लिए बसेस का वेट कर रहे हैं। लोकल गांव की तरफ जाने वाली सभी बसेस में इस समय काफ़ी भीड़ रहती है, खासकर HRTC बसेस में, क्योंकि HRTC बसेस में स्टूडेंट्स के पास बने होते हैं। और ये वाली बस आज आशापुरी जा रही है। मैंने स्टाफ से पहले ही कंफर्म कर लिया था कि आशापुरी आज कौन सी बस जाएगी, तो मैंने इसमें अपनी आगे की सीट ले ली है, क्योंकि स्टूडेंट्स की यहाँ पर इतनी भीड़ होगी कि काउंटर पर आते ही बस पूरी फुल हो जाएगी, फिर मुझे सीट नहीं मिलेगी। 3:15 फिर बस आगे काउंटर पर लगने चल पड़ी। इस बस पर वैसे HRTC जयसिंहपुर लिखा है, पर ये रूट है पालमपुर डिपो का। पालमपुर डिपो से निकालकर जयसिंहपुर एक नया बस डिपो बनेगा, इसीलिए पालमपुर डिपो की कुछ बसेस को निकालकर जयसिंहपुर में ट्रांसफ़र कर दिया है। लेकिन अभी वहाँ बस डिपो फंक्शनल नहीं है, तो जयसिंहपुर की बसें अभी पालमपुर के अंडर ही चल रही हैं। और हमारी बस में अभी आशापुरी का रूट बोर्ड भी नहीं लगा है, तो किसी को पता नहीं चल रहा कि ये बस कहाँ जा रही है, इसलिए बस में अभी कोई सवारी नहीं बैठ रही। फिर कुछ देर बाद इसका रूट बोर्ड लगाया गया। अब उस तरफ जाने वाले लोग बस में बैठ गए।
बस अपने टाइम से 10 मिनट पहले यहां काउंटर पर आई थी और लोग इसके इंतज़ार में पहले से खड़े थे। पालमपुर से आशापुरी के लिए ये एक ही HRTC बस जाती है और रात को वहीं पर रुककर सुबह वापस आएगी। फिर करीब 3:30 बजे हमारी बस पालमपुर से आशापुरी के लिए निकल गई। अभी ये बस पालमपुर शहर का चक्कर लगाते हुए आगे पंचरुखी की तरफ जाएगी, इसलिए ये यहाँ से राइट की ओर मुड़ गई। पालमपुर बाज़ार थोड़ा तंग है तो बैजनाथ की तरफ जाने वाले बड़े वाहन या तो पीछे बाईपास से निकल जाते हैं और बस स्टैंड से आने वाली बसेस को इस रोड से होकर आगे जाना पड़ता है। फिर हम पालमपुर के ओल्ड बस स्टैंड के पास पहुंच गए और अब यहां से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी व बाईपास से होते हुए हम पंचरुखी की तरफ जाएंगे। यहां राइट साइड को जो टैक्सी स्टैंड है, यहीं पर पालमपुर का पुराना बस स्टैंड हुआ करता था। पालमपुर से निकलकर हम बैजनाथ रोड पर आए थे और अब यहाँ होल्टा से हम पालमपुर बाईपास की तरफ राइट मुड़ गए। अब बस सीधे यहाँ से राजपुर होते हुए आगे जाएगी। यहाँ सड़क के दोनों तरफ ये चौधरी स्वर्ण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय है। ये विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा संस्थान है। थोड़ी ही देर में फिर आ गया राजपुर। राइट की तरफ पालमपुर बाईपास वाला रोड है और हम लेफ्ट में पंचरुखी की ओर मुड़ गए। यहाँ पर फिर पालमपुर नगर निगम की सीमा समाप्त हो जाती है। आसपास यहाँ चाय के बगीचे लगे हुए हैं। राजपुर से पंचरुखी हमारी बस मेन रोड से ना आकर चंद्रोपा, रठाँ व घाड़ गांव को कवर करते हुए आई। यहाँ इस तरफ काफ़ी सारे छोटे छोटे गांव हैं और HRTC मैक्सिमम गांव को कवर करती है। फिर करीब 4:15 बजे हम पहुंच गए पंचरुखी। जैसा कि आपने सुना कि कंडक्टर साहब ने बोला कि 4:40 पर चलना, मतलब अभी 15-20 मिनट का यहां पर ब्रेक है तो बस अब 4:40 पर यहां से आगे चलेगी। पंचरुखी पालमपुर से 10 किलोमीटर स्थित एक बड़ा कस्बा है। ये आसपास बसे गांव का सेंटर पॉइंट है और यहाँ पर एक बड़ी मार्केट भी है, तो यहाँ दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता है।
इसके बाद फिर 4:40 पर हम पंचरुखी से आशापुरी के लिए निकल गए। पालमपुर से पंचरुखी तक वैसे तो खुली डुली सड़क बनी हुई है, लेकिन हम यहाँ तक गांव-गांव में से होते हुए आए थे। ये सीधा रास्ता आगे चढ़ियार व जयसिंहपुर की तरफ जाता है। पंचरुखी से 1 किलोमीटर आगे चलकर आता है अंद्रेटा गांव। अंद्रेटा को कलाकारों की बस्ती के रूप में साल 1920 में बसाया गया था। शोभा सिंह आर्ट गैलरी यहां सबसे फेमस है, जहां आप कलाकार शोभा सिंह की ओरिजिनल क्रिएशन देख सकते हैं, जिसमें पेंटिंग्स, मूर्तियां और पोस्टर आदि शामिल हैं। यहां पास में अंद्रेटा पोटरी के नाम से एक मशहूर दुकान भी है, जहां आपको मिट्टी से बनी कई चीज़ें देखने व बनाने का तरीका सीखने को मिल जाएगा। अंद्रेटा से फिर थोड़ा आगे आता है मछियाल गांव, जहां से लेफ्ट की ओर बैजनाथ के लिए रास्ता मिलता है। करोड़ी गांव के बाद फिर शुरू होती है चढ़ाई। पालमपुर से यहां तक तो ज़्यादा कोई ऊंचा नीचा लैंडस्केप नहीं था, लेकिन अब यहां से आगे हम पहाड़ी पर चढ़ेंगे। आशापुरी मंदिर भी पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। चढ़ाई चढ़ते हुए बीच बीच में कांगड़ा घाटी का सुंदर दृश्य भी दिखाई देता है। हर तरफ हरा भरा रीजन और बीच में रंग बिरंगे घर, सामने विशाल धौलाधार पर्वत जिस पर अक्सर बादल ही उमड़े रहते हैं। सर्दियों में बर्फबारी के बाद ये पर्वत श्रृंखला धूप में चांदी सी चमकती है। कांगड़ा घाटी के बड़े शहर जैसे कांगड़ा, देहरा, धर्मशाला, नूरपुर, पालमपुर व बैजनाथ, इन सब के लैंडस्केप इतने हिली नहीं हैं और सब जगह खुली डुली सड़कें हैं और जल्दी ही ये बड़े शहर 4 लेन से भी जुड़ जाएंगे। लेकिन ये जो अंदरूनी पहाड़ी हिस्से हैं, यहाँ हिली टेरेन है और यहाँ की सड़कें भी तंग हैं, स्पेशली ये चढ़ियार व जयसिंहपुर रीजन की तरफ। ये करोड़ी के मोड़ काफ़ी फेमस हैं और यहाँ पर तीखी चढ़ाई व आसपास जंगल है। करोड़ी के मोड़ चढ़ने के बाद फिर हम पहुँच गए भुआणा गांव में। भुआणा गांव ऊंचाई पर बसा है और इस तरफ का एक बड़ा गांव है। यहाँ काफ़ी सारी शॉप्स और घर हैं। यहाँ पर हमारी बस से कई लोग उतरे व कुछ चढ़े भी। बस में ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही ट्रैवल कर रहे हैं और यहाँ से भी कांगड़ा घाटी का अच्छा व्यू दिखाई देता है। बुहाना से थोड़ा ही आगे चलकर फिर आता है ये कैलाशपुर किल्ली गांव, जहां से हमें आशापुरी की तरफ अब राइट की ओर मुड़ना है। सीधा रास्ता ये तिनबड़, चढ़ियार व जयसिंहपुर की तरफ जाता है।
दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि साल 2012 में पालमपुर से आशापुरी जा रही इसी रूट की बस का एक्सीडेंट हो गया था, तो अभी हम कुछ ही देर में उस हादसे वाली जगह पर पहुंचने वाले हैं। वो दिन था 10 सितंबर 2012। उस दिन भी बस पालमपुर से अपने निर्धारित समय शाम 3:30 बजे आशापुरी के लिए निकली थी। जैसा कि आपने पीछे देखा कि करोड़ी गांव में मोड़ और तीखी चढ़ाई है, तो वहां आकर चालक को बस में कुछ टेक्निकल फॉल्ट लग रहा था और बस प्रेशर नहीं बना पा रही थी, जिसे चढ़ाई चढ़ने में दिक्कत आने लगी। दूसरा, ड्राइवर की सीट भी ठीक नहीं थी, वो चढ़ाई पर बार बार पीछे की ओर सरक रही थी। बस में करीब 50 लोग सवार थे। जैसे तैसे ड्राइवर ने बस को भुआणा गांव तक पहुंचा दिया। जैसा कि हमने आपको बताया कि पालमपुर से ये आशापुरी जाने वाली एकमात्र बस है, तो इसमें अधिकतर लोग मकोल, मल्ली व आशापुरी गांव तक जाने वाले होते हैं। इसलिए लोगों ने ड्राइवर से कहा कि बस को आगे लेकर चलो, वो सब पैदल इतने दूर कैसे जाएंगे, आशापुरी अभी 10 किलोमीटर दूर था। फिर ड्राइवर ने बस को आगे बढ़ा दिया। अब धीरे धीरे जिनके घर आते गए, लोग बस से उतरते गए। करीब 5:30 बजे बस यहाँ मकोल गांव में पहुँच गई और ड्राइवर ने एक बार फिर से यहाँ बस को रोक दिया कि ये बस ख़राब है तो आगे नहीं जा पाएगी। लेकिन लोगों ने फिर से ड्राइवर को वही कहा कि कुछ नहीं होता, रोज़ ऐसी बस पालमपुर से आशापुरी आती है, तो आप आगे चलो। सबको अपने घर पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। आखिर एक बार फिर से बस अपने आखिरी पड़ाव की ओर निकल पड़ी। मकोल गांव में काफ़ी पैसेंजर्स बस से उतरे। जो लोग उतर गए, वो शायद उस दिन के बाद खुद को भाग्यशाली समझ रहे होंगे, क्योंकि बस में स्टाफ सहित 39 लोग जो आगे ट्रैवल कर रहे थे, वो तो मानो अब मौत की राह पर चल रहे थे। मकोल से मल्ली गांव के बीच ये एक तीखी चढ़ाई वाला रास्ता है, जो कि घने जंगल से होकर गुजरता है। ऊपर पहाड़ और जंगल हैं, नीचे खाई इतनी गहरी है कि जंगल में पता ही नहीं चल रहा कि गहराई कितनी है। जब बस धीरे धीरे ये वाली चढ़ाई चढ़ते हुए लगभग ऊपर पहुँचने ही वाली थी कि बस का प्रेशर साथ छोड़ गया। एकदम बस पीछे की ओर हटने लगी और किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। बस साथ लगती गहरी खाई में समा गई। बस के दरवाजे भी खाई की ओर थे कि कोई बाहर कूदना भी चाहता तो सीधे खाई में ही गिरता। खैर, इतना संभलने का मौका किसी को नहीं मिला। कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि यहाँ भी ड्राइवर की सीट पीछे की ओर सरक गई और ड्राइवर के पैरों से क्लच और ब्रेक दोनों ही दूर हो गए और बस पीछे सरकती हुई खाई में गिर गई। गांव के लोगों के अनुसार आशापुरी से बस सामने आती दिखाई दे जाती है, और उस दिन भी लोगों ने देखा कि बस सामने आ रही है, क्योंकि लगभग सभी घरों से कोई ना कोई जो पंचरुखी या पालमपुर पढ़ाई या दूसरे कामों से गया होता है, वो शाम को इसी बस से वापस आता है। लेकिन कुछ ही पल में अचानक सबने एक तेज़ आवाज़ सुनी, जो इन पहाड़ों व जंगलों में जोर की गूंज के साथ धीरे धीरे शांत हो गई। अधिकतर लोगों को समझने में देर न लगी और सब उस ओर भाग खड़े हुए। आखिर जब वहां का जो मंजर देखा, उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सूरज की किरणें मध्यम पड़ रही थी और अंधेरा छा रहा था। ऊपर और नीचे की सड़क के बीच घने जंगल में एक बस जिसके पर खच्चे उड़ गए थे और उसमें सवार थे 39 लोग। खैर, ये आंकड़ा तो बाद में पता चला, लेकिन उस वक्त सबको कोई अंदाजा नहीं था कि कितने लोग वहाँ हादसे का शिकार हुए हैं। सामने आप वो जगह देख सकते हैं जहां से बस नीचे गिरी। ऊपर वाली सड़क से बस गिरी और करीब 1000 फीट नीचे जाकर अटक गई। बस ऐसी जगह पर अटकी थी जहां तक न ऊपर से पहुंचना आसान था, न नीचे वाले रोड से। प्रशासन को घटना की सूचना मिली और टीम्स जल्दी से उस ओर रवाना हुई। बस के तो मानो चिथड़े उड़ गए थे और उसमें बैठे लोगों का आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या हुआ होगा। हादसे के थोड़ी ही देर बाद फिर अंधेरा हो गया। हिमाचल प्रदेश पुलिस व होमगार्ड्स की टीम जब वहां पर पहुंची, तो सबसे पहले तो ये चुनौती थी कि बस तक पहुंचा कैसे जाए, इतनी गहरी खाई और अंधेरा। पर जैसे तैसे प्रशासन व स्थानीय लोग नीचे खाई में उतरे। अब वहां का मंजर इतना भयानक था कि जगह जगह लाशें बिखरी थी, किसी की टांग नहीं तो किसी की बाजू गायब। अंधेरी रात में आप सोच सकते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति रही होगी। सब लोग वहाँ बेबस थे कि जहाँ खुद इतनी मुश्किल से पहुँच पाए हैं, वहाँ से कुछ घायल लोग थे, उन्हें कैसे बाहर निकाला जा सके। कई लोग सामने सामने ही कराहते हुए दम तोड़ गए। आखिरकार स्थिति को नियंत्रण से बाहर होता देख फिर भारतीय सेना को वहाँ पर बुला लिया गया। इंडियन आर्मी की पालमपुर व योल कैंट से दो टीम्स अपने इक्विपमेंट्स के साथ रात को ही घटनास्थल पर पहुँच गई। आर्मी के लिए भी ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं था।
जब उन्होंने सड़क से अपनी फ्लड लाइट्स खाई की ओर लगाई तो रोशनी नीचे तक पहुंच ही नहीं पा रही थी और बस से छिटक कर लोग पता नहीं जंगल में कहां कहां बिखरे पड़े थे। जैसे तैसे सेना, पुलिस व स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी लाशों और कुछ घायल लोगों को खाई से बाहर निकाल लिया गया। रात भर ये ऑपरेशन चलता रहा। इस घटना में 39 में से 34 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें बस के ड्राइवर भी शामिल थे, जो लोगों से बार बार बस के खराब होने व आगे ना जाने की गुजारिश कर रहे थे। 5 लोग इसमें जिंदा बच गए, जिनमें बस के कंडक्टर व गांव के 4 अन्य लोग थे। जैसे तैसे वो रात निकली और अगली सुबह आशापुरी व मल्ली गाँव के लिए सबसे मनहूस थी। सुबह 9 बजे ये ऑपरेशन समाप्त हुआ। 19 लोग सिर्फ आशापुरी गांव के थे, जिनमें अधिकतर यंगस्टर्स थे जो अपने स्कूल या कॉलेज से घर वापस आ रहे थे। इसके अलावा बाकी मल्ली व आसपास के गांव के लोग थे। जब एक साथ 19 लाशें एक छोटे से गांव में पड़ी हों तो आप सोच सकते हैं कि वो दृश्य कितना भयानक होगा। उस वक्त मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल और परिवहन मंत्री श्री महेंद्र सिंह ठाकुर थे। सरकार द्वारा उन लाशों के संस्कार के लिए 3 ट्रक्स लकड़ी के भेजे गए और गांव के शमशान में भी इतनी लाशों के संस्कार के लिए जगह नहीं थी। फिर एक खुले मैदान में एक साथ 19 लाशों का अंतिम संस्कार किया गया। अच्छा, यहां से बस नीचे चली गई? नहीं, से गिर थी बस नीचे। मतलब है ही नहीं कुछ, मतलब जाने आने का रास्ता ही है नहीं कुछ यहाँ पे। मतलब ये डंगा डुंगा सब सुबह लगा। अच्छा, तब ये नहीं होता था? कुछ नहीं था, यहाँ पे ऐसे था, रोड क्लोज था उस टाइम तो, यहाँ से एक आधा रोड था ये। मतलब बस वहाँ से रिवर्स हो गई थी शायद ना? अच्छा, दो बंदे गिरे थे ऊपर ही। अच्छा, दो ऊपर ही गिर गए? दो यहाँ थे, 3-4 बंदे यहाँ नीचे गिरे थे, और बंदे सब नीचे। जो ऊपर गिरे वो तो बच गए होंगे? नहीं नहीं, सब मर गए, बचने वाले चमाने से जो बचे वो सबसे नीचे गिरे थे, वो बचे हैं 5 बंदे। फिर आर्मी बुला ली थी यहाँ पे? आर्मी भी आई थी रात को। फिर मतलब सारे लोग मिल गए थे रात को या सुबह भी ढूंढते रहे? सारे मिल गए रात को। रात को ही है ना, पूरी रात चलता रहा होगा। यही दिन थे शायद बरसात के ही? अब इस स्थान पर हनुमान जी का एक मंदिर बना दिया गया है। ये सब कहानी सुन और यहाँ का दृश्य देखकर मैं तो एकदम सन्न रह गया। हमारी बस मेरे लिए यहाँ पर कुछ देर रुकी थी, इसके बाद फिर हम उस पॉइंट से आगे चले। ये सड़क है तो अब भी काफ़ी तंग, पर अब कई जगह पर क्रैश बैरियर्स लगा दिए गए हैं। पर जब 2012 में ये बस हादसा हुआ था तब यहाँ पर कोई बैरियर नहीं होता था। इसके बाद आता है ये मल्ली गांव। उस हादसे में आशापुरी के बाद सबसे ज़्यादा मौतें इस गांव से हुई थी। लोग अपने घर से कुछ ही दूर पहले मौत की खाई में समा गए थे। यहाँ मल्ली गांव में वैष्णो माता की एक पवित्र गुफा भी है और इसका संबंध पांडवों से बताया जाता है। यहाँ सामने से भी वो हादसे वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है। पहले वो नीचे वाली सड़क ही यहाँ आने का मुख्य रास्ता हुआ करती थी और ऊपर वाली सड़क उसके बाद में बनाई गई थी। यहाँ ऐसा भी बताया गया कि उस नीचे वाली सड़क में भी साल 1992 में एक बस हादसा हो गया था और उसमें 4-5 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा ऊपर वाली सड़क से भी एक जीप दुर्घटना में कुछ लोग मारे गए थे। शाम 6 बजे फिर हम पहुंच गए आशापुरी और बस अब यहां साइड में पार्क हो जाएगी। अब ये बस सुबह 7:15 बजे यहां से वापस पालमपुर के लिए जाएगी। इसके अलावा बैजनाथ से भी एक HRTC बस यहां तक आती है, जो सुबह 10 बजे बैजनाथ से चलती है और दोपहर 1:30 बजे यहां से वापस बैजनाथ चली जाती है।
ये है आशापुरी का बस स्टॉप व पार्किंग। अब इसके आगे हमें सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक जाना है। आशापुरी जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है और HPPWD के इस बोर्ड के अनुसार यहाँ की आबादी 372 प्राणी है। कितना चढ़ाई है मंदिर के लिए? हाँ काहे? हाँ हाँ डाल लो, वहाँ तक खड़े रहते हैं हम। ये मंदिर का गेट है और सामने जाने के लिए सीढ़ियाँ। ये एक प्यारी सी बेटी है जो बस में हमारे साथ ही आई है और अभी मंदिर तक भी हमें लेकर जाएगी। इसने बताया कि 2012 के उस हादसे में इसके दादाजी की भी मृत्यु हो गई थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये आशापुरी गांव का नाम ही माता आशापुरी पर रखा गया है, तो मंदिर की वजह से तो ये प्रसिद्ध है ही। लेकिन जब यहाँ पर वो भीषण बस हादसा हुआ तो आशापुरी का नाम कुछ दिन हर न्यूज़ पोर्टल पर बना रहा। यहाँ गांव में जिस किसी से भी बात करें तो उनके परिवार या रिश्तेदार में से कोई ना कोई उस बस हादसे में अपनी जान गंवा चुका है। ये एक अंकल जी हैं जिनका 14 साल का बेटा उस हादसे का शिकार हो गया था। बेटा था मेरा। बेटा आपका, अच्छा क्या उम्र थी? उम्र थी उनकी 14 साल। सर कॉलेज वगैरह पढ़ते होंगे? स्कूल कॉलेज? स्कूल में है ना। अच्छा शाम के टाइम आप इधर ही थे जब आपको पता चला? फिर सारे भाग गए होंगे वहाँ? बिल्कुल। इस गांव के कितने लोग थे उसमें? 19 आपके गांव के, बाकी यहाँ के होने पिछला जो मल्ली। और ये आंटी जी उस हादसे वाली बस में खुद मौजूद थी और उन 5 भाग्यशाली लोगों में से थी जो वहाँ बच पाए थे। इन्होंने बताया कि जब बस पीछे हटने लगी तो ड्राइवर जोर से चिल्लाया और सब लोग हड़बड़ी में अपनी जगह से उठने लगे, लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पाते बस खाई में गिर गई थी। उसके बाद जब इन्हें होश आया तो ये अस्पताल में थी। इस हादसे में इन्होंने अपना 12 साल का बेटा भी खो दिया। आप कहाँ से आ रहे थे तब? हम पंचरुखी से आ रहे थे। पंचरुखी से? फिर ये आपके जो यहाँ पे निशान है ये तब के ही है? अच्छा, मतलब कैसे कि बस पीछे को गई एकदम और गिर गई? पता नहीं लगा भैया, पीछे हट रही थी, नहीं पता लगा कि क्या हुआ क्या। फिर मतलब आप कहाँ पे जब गिरने के बाद फिर आप कहाँ मिले लोगों को? जंगल में। अच्छा आप नीचे गिर गए थे? फिर आपको था होश की उस टाइम बेहोश हो गए थे आप? होश जो उस टाइम तो बेहोश थी, फिर होश जो आए तो हॉस्पिटल में थी मैं। अच्छा, आपके साथ 5 लोग और बचे हैं और 34 लोग वहाँ पे? 4 लोग बचे। पांचवें? पांचवें आप? अच्छा अच्छा, वहीं जहाँ वो सामने मंदिर है ना हनुमान जी का, वहाँ पे मंदिर बाद में बनाया फिर वो? बाद में बना। अच्छा, तो आपको किस्मत की बात है ना। आपके साथ आपके परिवार के और भी थे कोई? बेटा। आपका बेटा? अच्छा, क्या उम्र थी उसकी? उस टाइम उसकी उम्र 12 साल थी। ओहो। 7 नौजवान लड़के ऐसे थे जो अपने परिवार के एकलौते बेटे थे। किसी की उम्र 12 तो किसी की 14 साल। इस बारे में किसी से बातें करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि उन पलों को याद करते हुए सबके गले रुंध से जाते हैं। इसके बाद 10-15 मिनट पैदल चलने के बाद हम आशापुरी मंदिर पहुंच जाते हैं। ये मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। ये 1250 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ से धौलाधार पर्वत श्रृंखला का बढ़िया व मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। शाम का समय है तो यहाँ से सनसेट का भी सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है। कांगड़ा जिला के प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों में माता आशापुरी का भी नाम है। हालांकि ये स्थान मुख्य शहरों से थोड़ा दूर आकर बसा है, इसीलिए यहाँ बाहरी राज्यों के कम ही श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा अज्ञातवास में करवाया गया था और 16वीं शताब्दी में कटोच वंश के राजा मानसिंह द्वारा इस मौजूदा मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस मंदिर को अब पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया है। चंगर क्षेत्र में नागवन की इस ऊंची चोटी पर माता आशापुरी का ये भव्य मंदिर बना हुआ है, जहां से ब्यास नदी घाटी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। ऊंची जगह है तो यहाँ अक्सर हवा चलती रहती है और सनराइज व सनसेट भी यहाँ से बहुत खूबसूरत दिखाई देता है।
यहाँ ऊंची पहाड़ी पर ये BSNL का ट्रांसमीटर भी लगाया गया है, जो कि निश्चित तौर पर एक बड़े एरिया को कवर करता होगा। इस ऊंचे टावर की वजह से आशापुरी की ये पहाड़ी दूर दूर से पहचान में आ जाती है। आशापुरी में आप पूरा साल कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मौसम के हिसाब से बात करें तो मार्च अप्रैल या सितंबर से दिसंबर यहाँ आने का सबसे सही समय है। ज़्यादा सर्दियों में फिर यहाँ पर ठंड भी काफ़ी होती है और जून से अगस्त में गर्मी या बरसात का मौसम ज़्यादा सही नहीं रहता। आशापुरी आने के लिए सबसे सही रास्ता वही है जहाँ से हम अभी आए हैं, पालमपुर, पंचरुखी व भुआणा से होकर। इसके अलावा आप चढ़ियार, जयसिंहपुर या लंबा गांव से भी यहां तक पहुंच सकते हैं। यहां पर रुकने के लिए आशापुरी होमस्टे एंड रेस्टोरेंट है, जो मंदिर के बिल्कुल पास में है। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप इस बोर्ड पर देख सकते हैं। यहां पर आपको एकदम साफ़ सुथरे कमरे व वॉशरूम मिल जाएंगे और साथ ही यहाँ पर घर का लोकल खाना खाने का भी मौका मिलेगा। रूम का टैरिफ यहाँ 1000 रुपये पर रूम व खाना 100 रुपये पर डाइट के हिसाब से है। इसके अलावा यहाँ थोड़ी दूरी पर HPPWD का रेस्ट हाउस भी है, तो वहाँ भी ठहरने के लिए रूम मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ आने वाले सभी लोगों से एक विनती है कि इस धार्मिक जगह पर आना है तो श्रद्धा व धार्मिक भाव से ही आएं। अगर आप कुछ मौज मस्ती के मकसद से आओ तो कोई दूसरी जगह के ऑप्शंस देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मैं पहली बार यहाँ आशापुरी आया हूँ तो मुझे तो यहाँ आकर इतना अच्छा लगा कि शायद किसी और बड़े टूरिस्ट प्लेस में जाकर ना लगा हो। आप कभी आशापुरी आए हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे भी लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय माता आशापुरी जी।